नमस्कार दोस्तों, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्लास में आपका स्वागत है। इसके अंदर आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इनको देखें, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ठीक रहेगा, अगर आपको नहीं होता है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन है प्रूव द आइडेंटिटीज। ऐसी आइडेंटिटीज हमें प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती रहती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं देखिए। तो लिखा है कि साइन थीटा प्लस वन माइनस कोस थीटा, और इसके डिवाइड में लिखा हुआ है कि कोस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हम ना इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष लेने पर। तो अगर आप बाया पक्ष लेते हो तो इसको हम ना डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर बाय, ठीक है, बाय कोस थीटा। आप सबको ना कोस थीटा से डिवाइड कर दें, तो यानी ये आपका क्या था साइन थीटा, इसके डिवाइड में लिख दें आप कोस थीटा। ऐसे ये वन था तो वन अपॉन में कोस थीटा, ऐसे ही हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके डिवाइड में भी कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा और प्लस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो हमने क्या किया, सबके डिवाइड में कोस थीटा देख रहे हैं आप रख दिया गया है। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन थीटा, और प्लस ये वन अपॉन में कोस आपने पढ़ा होगा तो वो होता है सेक थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस वन अपॉन में, यहाँ पे भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो वन माइनस वन अपॉन कोस होता है सेक थीटा, और प्लस साइन अपॉन में कोस टेन थीटा। ठीक है, तो आपने ये अब इसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग आपको फॉर्मूले यूज करना है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि वन का मान निकालने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगा दोगे। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है एक बार ब्रैकेट में ऐड और एक बार ब्रैकेट में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो वन की वैल्यू हो जाएगी आपका एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर एक बार ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो ये वन नजर आ रहा है इस वन को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस वन को इस वाले वन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपको अब कैसे करना होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, तो ये तो यही रहेगा टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। तो इन दोनों को आप ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, और माइनस वन, वन की जगह पे दोनों लिख दें, तो वन की जगह ये दोनों लिखोगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इनके डिवाइड में ना इसको सेम रहने दें, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस वाला है और ये जो प्लस वाला है ये दोनों एकदम सेम हो गए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। तो आप कॉमन निकाल लेंगे क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने पे यहाँ पर आपका कुछ नहीं तो एक मल्टीपल बच जाएगा, फिर माइनस, ये तो आपका कॉमन चला गया तो आपका ब्रैकेट बचेगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ वन बच जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो ये बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे वापस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको एक से करें तो यही आ जाएगा, फिर आप इसको इससे करते हैं तो यही दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसे आ जाएंगे और माइनस सब बीच में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में अब आपका ये ऐसे ही रहेगा वन माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा
और इसको वन ये अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, ब्रैकेट के अंदर जाकर ये प्लस का सेक माइनस हो जाएगा और माइनस का जो टेन था वो प्लस का टेन हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा आपका वन प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो आप मैच कर पा रहे हैं कि नीचे वाला और ऊपर वाला लगभग सेम है, यहाँ पे माइनस था सॉरी, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और आपने पहले भी पढ़ा था टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा और इसको वन अपॉन कोस थीटा। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो कोस थीटा और ये ऐड हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस वन। तो आंसर मैच करने के लिए आप इसे लिख सकते हो वन प्लस साइन थीटा पहले, वन पहले साइन बाद में अपॉन में कोस थीटा। तो आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। तो आपको देखोगे तो आपको यही प्रूफ करना था वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ले आए हो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट या करणी पढ़ते हैं से, करणी वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा फिर प्लस अंडर रूट या करणी वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमें लाना है टू सेक थीटा। तो कभी भी आपका अंडर रूट में एक ही सेम चीज प्लस में हो फिर माइनस में हो तो आपको क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा डूइंग, पहले तो लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपको लिखना पड़ता है डूइंग रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो आपने पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। तो आपको ये जो नीचे वाला जो संख्या होती है, अगर आपका यहाँ नीचे माइनस है तो आपको ना इसी को प्लस लगाकर ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, अंश और हर में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाला हर, तो नीचे में जो भी हर है यानी माइनस है तो आपको प्लस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आप यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, नीचे नीचे आपको दिख रहा है कि वन प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई वन माइनस साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले सेम हो गए, तो ऊपर वाले अगर ये वन प्लस साइन ये भी वन प्लस साइन तो हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा, यहाँ फार्मूला फिट हो जाएगा। फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह वन का स्क्वायर और माइनस ए वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वही अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ चुका है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो नीचे आप लिख सकते हो इसको चेंज कर दोगे, इसकी जगह रिप्लेस करके कोस स्क्वायर थीटा लिख दोगे आप। तो यहाँ पे हम जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा था इसको रिप्लेस करके कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से ये दोनों बाहर आ जाएंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, पहले आप वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख के दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अभी स्क्वायर से अंडर रूट क्रॉस होके हट जाएगा तो आपका वन प्लस साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा शेष बच जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पे अब माइनस माइनस है तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे दोबारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों का अंडर रूट चढ़ जाएगा तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और दोनों का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा आपका वन प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस था तो वन माइनस साइन कर लें आप। ठीक है, तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस, अब आप क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा और ऐड हो जाएगा ये, तो कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा वन ही बार आएगा, ऊपर वन मल्टीप्लाई करने पे यही रहेगा वन प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी कोस कोस पाया जा रहा है ऊपर वन ही मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा एज इट इज,
वन माइनस साइन थीटा, ये साइन से साइन कट जाएगा तो आपका दो बटा कोस थीटा। फिर आपने पढ़ा होगा कि वन अपॉन में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो दो गुना एक बटा कोस थीटा, यानी दो गुना क्या लिख सकते हो आप साइन सेक थीटा, तो यानी टू सेक थीटा। तो आपका एल एच एस इक्वल टू बराबर आ जाएगा टू सेक थीटा, तो आर एच एस दोनों साइड आपका बराबर आ जाएगा। तो देख सकते हो आपको टू सेक थीटा ही लाना था। तो ये आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ये लिखा है sec थीटा और ये लिखा है प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया तो sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका आप लिख दोगे होल स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी लगानी है। तो ये आइडेंटिटी बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो ठीक है, वो जो क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे माइनस था तो आप यहाँ पे लोगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस माइनस टू ए बी। तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये आप फार्मूला ले लोगे। तो फार्मूला हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस, तो आपका फार्मूला हो जाएगा टू sec थीटा और मल्टीप्लाई tan थीटा। अब इस sec को आप वन अपॉन क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आप इसको लिखोगे तो वन अपॉन sec को लिख दोगे cos थीटा और sin को लिख दोगे आप sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा टू sec थीटा अपॉन में सॉरी sin थीटा और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का टू साइन थीटा, ये ऊपर वाला बिल्कुल एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बन रहा है आपका टू ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका इसको लिख सकते हो वन और माइनस बी यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में कोस थीटा का भी देखो स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो वन माइनस साइन थीटा अपॉन में, तो का होल स्क्वायर। और अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि वन प्लस साइन ओ सॉरी आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम नीचे वाले की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हम वन को एक का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम एक बार ब्रैकेट में एड और एक बार ब्रैकेट में माइनस करते हैं। तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसे हम दो बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला जो दिख रहा है आपको उसको एक बार आप प्लस में लिख दोगे और एक बार आप माइनस में लिख दोगे, तो आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो तो वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा ही आपको लाना था। तो यानी आपका देख रहे हो दोनों साइड ये वाली साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया ये, तो आप लिख सकते हो कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।